नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूँ सुभाष कुकरेती। स्वागत है आपका हिमालयन योगी चैनल पर। अपनी गंगोत्री यात्रा समाप्त होने के बाद हम अभी मनेरी भाली झील में हैं, और इस झील या डैम भी बोल सकते हैं आप इसको, इससे बिजली भी बनाई जाती है। और ये झील भी भागीरथी नदी पर ही बनी हुई है, और ये लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तरकाशी से। और इस बांध को 1984 में पूरा किया गया था, हालांकि ये पूर्ण रूप से चालू 2008 में ही हुआ था। चलिए आपको ले चलता हूँ झील के बिल्कुल करीब। अभी हम यहाँ पर नाश्ता करने रुके हैं, और इसी बहाने इसका भी एक वीडियो बना लेता हूँ। ऊपर खूबसूरत पहाड़, हरे भरे जंगल, और नीचे ये मनेरी लेक। अब यहाँ वैसे ज़्यादा ठंड नहीं है, ऊपर रात को ठंड थी काफ़ी ज़्यादा होटल में, क्योंकि वो हाइट पे था, ये थोड़ा डाउन पे है। लगता है यहाँ पे रिनोवेशन काम चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम उत्तरकाशी की पहाड़ी दाल की खोज में जा रहे हैं। सुना है यहाँ की पहाड़ी दालें बहुत प्रसिद्ध और स्वादिष्ट होती हैं। यह है वर्णावत पर्वत, जिसने 2003 में उत्तरकाशी में बाहरी तबाही मचाई थी। तब बिना बरसात के ही एक महीने तक इस पर्वत से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई थी, और काफ़ी मकान और दुकान तबाह हो गए थे, और वही खतरा आज भी बना हुआ है। चलो, पहाड़ी दालों की दुकान हमें मिली गई है। ये जितनी भी दालें, ये सब पहाड़ी दालें हैं, जिसमें कि गैत, राजमा या रयास भी बोलते हैं शायद उसको, उड़द, तुवर, मलका, भट्ट, जख्या, तिल और बहुत सारी पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर वो जितने भी आइटम दिख रहे हैं पहाड़ों का प्रोडक्ट है, ये सिर्फ पहाड़ों में इनकी जो खेती है वो पहाड़ों में ही होती है, इसीलिए ये ज़्यादा जितने भी हम पहाड़ी लोग हैं सबकी फेवरेट दालें हैं। इसीलिए जहाँ भी जब भी हम पहाड़ों में आते हैं तो ये दालें ज़रूर लेके जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे इसका रेट आप देख सकते हैं, ये है 80 रुपये किलो। ये दाल क्या है, ये इसको दाल को इक्के दाल इसको क्या बोलते हैं, ये शायद रयांस है, 80 रुपये किलो। ये 100 रुपये किलो तुअर है, यहाँ पे 100 रुपये किलो है। ये उड़द है 120 रुपये किलो, और ये भट्ट है, भट्ट 50 रुपये किलो है। ये गैत है, ये 80 रुपये किलो है, और ये राजमा है, पहाड़ी राजमा, ये 150 रुपये किलो है। और गैत दो टाइप के हैं, एक वहाँ पे भी हैं एक यहाँ पे भी हैं, अलग अलग रेट है दोनों का। और सामने तिल मैंने आपको बताया, और ये झंगरियाल है, ये झंगरियाल है, ये है 80 रुपये किलो है इसका रेट यहाँ पे। यहाँ पे लिखा भी है पहाड़ी दालों की दुकान, पर जो हमें मिलते थे ये तो मिल जाएंगे पहले। ये देखिए, ये लाल चावल जो कि सिर्फ पहाड़ों में ही मिलते हैं, क्या रेट का भाजी है ये? 130 रुपये किलो, 130 रुपये किलो है चावल है, ये रेड है बिल्कुल लाल चावल। और ये जख्या है, क्या रेट का बताया आपने जख्या? 40 रुपये पाव, हाँ 160 रुपये किलो। ये रेड है रेड चावल, ये भी लेके आए हम, क्योंकि अब तो हमारे पौड़ी में तो ये होती नहीं है, पौड़ी में तो खेती नहीं होती थी, होंगे कहाँ से, लेकिन पहले बहुत होते थे। और इसका हम चूड़ा बना के सबको याद होगा, जो पुराने लोग हैं और जो गढ़वाल में रहते हैं उनको पता होगा कि इसका चूड़ा बना के खाते थे, और उसका चूड़ा बहुत अच्छा होता था। खैर, अब तो जब ये
गढ़वाल में चावल होते ही नहीं है तो चूड़ा कहाँ से होगा। तो आज की पीढ़ी को तो पता भी नहीं कि हमारे गढ़वाल में कभी लाल चावल हुआ करते थे।